यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई लाई वे लाई लाई वे यार डाढ़ी इश्क आतिश। कुरतुलैन का बेटा तुम्हारे पास? ये हमारा बेटा है बड़ी अम्मी, हमने समर को अडॉप्ट किया है। आपने तो सही मानों में गेम अपने नाम कर ली। इतना अच्छा मशवरा दिया कि सारे यहाँ बहुत शुक्रगुजार हैं मेरे। बेटा इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी बात पर गौर करो, इसमें सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारा है। अनवर अली का नवासा लाया गया इस घर में वारिस बनाकर, और अनवर अली बेटी का बाप होने के बावजूद यहाँ वारिस ले आया है। याद रखो, बेटे के बाप होने के बावजूद ऐसा ना हो कि बेवारिस रह जाओ। आपका पोता बहुत नाटी है। ये बच्चा ना मेरा पोता है ना जैन अली का बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ अनवर अली का नवासा है। बेटा अब जब तुमने उनका नवासा गोद ले ही लिया है तो उनका ये ख्याल है कि सारी जायदाद का हक उसे अडॉप्टेड बेटे ही का है, तो मुझे उनसे कुछ नहीं मांगना चाहिए। उनका नवासा गोद लेने का ये हरगिज मतलब नहीं था कि हम अपने हिस्से से दस्तबरदार हो जाएंगे। अब अकबर अली ने तुम्हें भेज दिया है मुझसे सवाल जवाब करने के लिए। जाहिर है बड़े अबू, मैं बेटा हूं उनका, अपनी प्रॉब्लम तो मुझसे डिस्कस करेंगे। आपको कोई एतराज है? नहीं, मुझे क्यों एतराज होने लगा मियां? तो फिर अगले हफ्ते आप रकम दे रहे हैं ना? देखो बेटा, अगर मेरे पास रकम होती तो मैं पहले ही क्यों मना करता। अरे अबू, ऐसा कैसे हो सकता है? एक साथ ही अकाउंट कैसे खाली हो सकते हैं? आपने इतनी रकम कहाँ खर्च कर दी? बेटा ये जायदाद जमीने जागीर के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। बेटा इसमें बड़ी तकदौ करनी पड़ती है, बड़ी रकम खर्च होती है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन बाबा की इजाजत के बगैर उनके अकाउंट कैसे खाली हो सकते हैं? और हर दो हफ्ते के बाद तुम्हारे बाबा के अकाउंट में जो रकम जमा हो जाती है, ये तो आज तक किसी ने नहीं पूछा मुझसे। लेकिन बड़े अब्बू, मेरे घर का काम रुका हुआ है, ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वो कंप्लीट हो जाए। बेटा इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, और तुम मुझसे ऐसे बहस कर रहे हो जैसे मैं जानबूझकर तुम्हारी रकम रोक रहा हूँ। तो फिर इसका और क्या मतलब लेंगे? जैन अली, तुम मेरी नीयत पर शुबा कर रहे हो। मेरी बेटी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और तुम लोग चंद लाख रुपए की खातिर मुझ पर शक कर रहे हो, और अकबर अली इसको भी साजिश समझ रहा है। अरे अबू, ऐसी बात नहीं है, इस पर पैसों की जरूरत है, मैं इसीलिए तो आपसे बात कर रहा हूं। देखो देखो बेटा, इसमें तुम्हारा और अकबर अली तुम्हारे बाप का कोई कसूर नहीं है। तुम्हारा बाप तुम्हारी बड़ी अम्मी के कहने पे चलता है और बस। बड़े अबू, अब आप गलत बात कर रहे हैं, इसमें बड़ी अम्मी का कोई लेना देना नहीं, आप उनको बीच में ना लाएं। बेटा नूर जहां तुम्हारे बाप को वरगला रही है, वो हम दोनों भाइयों में तफरका पैदा करना चाहती है, वो बदला ले रही है इस घर से, इस घर का सुकून बर्बाद करना चाहती है। देखें बड़े अब्बू, मुझे इस बात का एहसास है कि कुरुतुलैन ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, बहुत बड़ी कुर्बानी दी उसने, लेकिन बड़ी अम्मी ने भी कम कुर्बानियां नहीं दी इस घर की। वो क्यों किसी को वरगलाएंगी, उनको कोई लालच नहीं है। एक बात मत भूलना जैन अली, मैंने तहरीम से तुम्हारी शादी में मदद की, और नूरजहां की बेटी से तुम्हारी शादी नहीं होने दी, और समर भी मेरी वजह से तुम्हारे पास आया। बड़े अबू, इस जागीर और पैसे के लेन देन के अंदर अगर आप समर को बीच में ना लाएं तो बेहतर होगा। मैं कब ला रहा हूं किसी को बीच में? देखो बेटा, थोड़ा सबर कर, थोड़े दिनों में अकबर अली को उसके रुपए मिल जाएंगे, लेकिन अकबर अली को यह समझाने की कोशिश करो कि वो नूर जहां की बातों में ना आए, अपने बड़े भाई पे शक कर रहा है। चलो। मुझे तो समझ नहीं आ रही है, अचानक मेरे बाबा से सबको मसले क्यों शुरू हो गए। अरे बेटा,
مس انڈرسٹینڈنگز ہیں صرف, تم ٹینشن نہیں لو. کیسے ٹینشن نہ لوں ممی؟ ہاں سب میرے بابا کے اگینسٹ محاذ کھول کے بیٹھ گئے. زین کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس گھر شروع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ الٹا روہیل کتنا پریشان ہے, اپنے دوستوں کیسے منہ دکھائیں گے وہ اپنا. ایک بات سن, دیکھو یہ بات تو ہے نا کہ زمینوں سے جو بھی آمدن ہوتی ہے اس میں زین علی کا بھی تو حصہ ہے. تو یہی بات تو بابا سمجھا رہے ہیں کہ اس بار زمینوں سے اتنی آمدنی نہیں ہوئی, اوپر سے انہوں نے ایک نئی زمین خرید لی, اس میں پیسے خرچ ہو گئے, لیکن کسی کو احساس نہیں ہے اس بات کا. چچا جان تو صرف کورٹ کچہری میں لگے رہتے ہیں. زمینوں کی اتنے سال بابا نے دیکھ بھال کی ہے, اگر ان کی نیت میں کھوٹ ہوتا تو وہ اپنی جائیداد بناتے یا میرے لیے گھر بنواتے نا. ایک بات بتاؤں, سب کیا دھرا نور جہاں بیگم کا ہے, تم میری بات مانو یا نہ مانو. اور تحریم کتنی بڑی قربانی دی, کتنا بڑا احسان کیا میں نے اس کے اوپر, لیکن اس نے میرے بابا کے حق میں ایک بار بھی کچھ نہیں بولا. مجھے تو لگتا ہے میں اور میرے بابا ہی پاگل ہیں, سب کی پریشانیوں میں گھلتے رہتے ہیں اور ملتا کیا واپسی میں ہمیں؟ کچھ بھی نہیں ملتا. اچھا نا میں تحریم کو سمجھاؤں گی کہ وہ ذہن کو سمجھائے. اچھا نا اب رونے والی کون سی بات ہے اس میں, رو تو میں ہوں نا. اچھا یہ دیکھو, اچھا لگ رہا ہے, پانی ڈال. میں بھڑکا رہی ہوں؟ میرے تو فرشتوں کو علم نہیں کسی بات کا, یہ میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں, میں نے تمہارے علاوہ اس بات کا تذکرہ کسی اور سے نہیں کیا. ارے عجیب آدمی ہے بھائی. مریم آپ غصہ نہ کریں, پلیز بیٹھ جائیں. ارے کیسے غصہ نہ کروں ہیں بھائی, جب دیکھو انہیں کس نے حق دیا کہ میرے بارے میں یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے رہے ہمیشہ. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہیں ہوا کیا ہے, وہ بڑے بھائی ہیں اور باپ کی جگہ ہیں, لیکن بار بار وہ بچے کے تانے دیتے ہیں سمر کے. صاف بات ہے, جب سے تم لوگوں نے سمر کو گود لیا نا, بھائی صاحب اپنے حواسوں میں نہیں رہے. بس اکبر علی ایک بات سمجھ لیں, میں شفق کا حصہ جائیداد میں سے لے کر رہوں گی, مجھے بھائی صاحب کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے. وہ تو شاید مجھے بھی حصہ نہ دیں. دینا پڑے گا انہیں, کیسے نہیں دیں گے؟ اگر نہیں دیں گے تو میں تمہیں شفق کا حصہ دے دوں گی. نہیں میں اسے دوبارہ بات کروں گا. رہنے دیں, میں خود بات کر لوں گی. ایسا بھی کیا ہے, مذاق بنا رکھا انہوں نے سب کا, یہ تھوڑی ہے کہ جو چاہیں وہ کرتے جائیں اور ہم بات ہی نہ کر سکیں. تم پریشان نہ ہو, سب ٹھیک ہو جائے گا. اما مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تحریم تمہیں کبھی بھی وقت پہ کچھ سمجھ آتا ہے یہ بتاؤ. بھائی اگر زین کی اور بڑے ماموں کی کوئی بات ہوئی ہے تو میرا نام کیوں بیچ میں آ رہا ہے؟ کیسے نہیں آئے گا, تم حویلی کی بہو ہو اور ویسے بھی زین تم سے پوچھے یا بتائے بنا کوئی کام نہیں کرتا. جی ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. ایک بات بتاؤ تحریم, تمہیں کوئی شرم لحاظ ہے؟ نور جہاں کے ساتھ تم نے 6 مہینے کیا بتا دیے, تم تو اسی کے رنگ میں رنگ گئی. اما پلیز میں کوئی بچی نہیں ہوں کہ اس طرح کسی سے انفلوئنس ہو جاؤں. نہیں تحریم میں یہ نہیں مانتی. تم متاثر ہوئی ہو, زہر بھر دیا ہے نور جہاں بیگم اور ان کی بیٹی نے تمہارے اندر. خدا جانے تم کس ڈگر پہ چل پڑی. اما پلیز فار گاڈ سیک ایسا کچھ نہیں ہے. تحریم قرۃ العین نے اپنا کلیجہ نکال کے تمہاری جھولی میں ڈال دیا. اگر تم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی کم از کم اس کے باپ کا ساتھ ہی دے دو. میں اس کا یہ احسان نہیں بھولی ہوں, اور جب مجھے موقع ملے گا تو میں احسان لوٹا بھی دوں گی. میں احسان فراموش نہیں ہوں. تو پھر سمجھاؤ زین کو. میں کیا سمجھاؤں اماں, جب زین کو گھر کے لیے پیسے چاہیے اور اس نے بڑے ماموں سے بات کی ہے, میرے سامنے تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے, تو میں انٹرفیئر کیوں کروں؟ دیکھو تحریم ایک بات کان کھول کے سنو, اگر یہ معاملہ نہ نپٹا تو اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. نور جہاں تمہارا گھر توڑنا چاہ رہی. تم پہلے بھی بھائی صاحب سے بہت بدتمیزی کر چکی, اب میں تمہاری کوئی شکایت نہیں سنوں گی. واٹ, میں نے ان سے کوئی بدتمیزی نہیں کی, وہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ تم سے کیوں جھوٹ بولیں گے؟ تو پھر آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی. پلیز
बेटा तुम परेशान ना हो, ये कोई ऐसा मामला नहीं कि जिसमें तुम्हें कुछ कहने की जरूरत पड़े। वो तो ठीक है, पर बाबा अम्मा ये समझती हैं कि मैं जैन को फोर्स कर रही हूँ कि पैसे मांगे। आप तो वही कहेंगी ना जो उन्हें फील किया जा रहा है, वो हमेशा तस्वीर का एक ही रुख देखती है। लेकिन मेरा नाम क्यों बीच में लिया जा रहा है बाबा? मैं तो इस पूरे मामले को जानती ही नहीं हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, मैं शहर जाऊंगा, तुमसे बात करूंगा। और आप प्लीज बड़े मामू से पैसे नहीं मांगे। क्यों? ये हमारा हक है, तुम्हें अपना घर नहीं बनवाना है? बनवाना है, लेकिन कम से कम आप नूरजहां मामी के कहने पर नहीं मांगे। ये कौन कह रहा है कि ये सब चीजें मैं नूरजहां के कहने पर करता हूँ? सब यही कहते हैं। कौन सब? भाई साहब और आपा ना? मैं कभी भी बच्चों से ये सब बातें शेयर करना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस तरह उनका जहन खराब होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत अंदाजों को सच मान ले। मैं नहीं मानती। मुझे लगता है कि आजकल की जनरेशन इतना शऊर रखती है कि वो सही और गलत की पहचान रख सके। अच्छा, तो भाई साहब ने जैन की बेऔलादी और समर का ताना क्यों दिया? आई डोंट बिलीव इट। बड़े मामू ऐसा ताना दे ही नहीं सकते। यही तो तुम्हारी गलती है। कानूनन और शरण हक मांग रही हूं अपना। मैं इसके लिए अदालत भी जा सकती हूं। मैं भी अदालत में सबूत पेश कर सकता हूं कि मैं तुम्हारा हक अदा कर चुका हूं और तुम जबरदस्ती इस घर में रह रही हो। वो सारी जायदाद हथियाने के ख्वाब देख रहे हैं। I can't believe you just said that। और वो भी इतना intentionally। तुम शायद भूल गए हो कि उनकी बेटी ने कितना बड़ा एहसान किया है अपनी औलाद दे के। हम अब क्या करेंगे अम्मी? आप जैन अली की दूसरी शादी। क्या मतलब? बस एक बार वो नौलखा मुझे मिल तो जाए, फिर देखना। अनवर अली को सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी नूर जहां नहीं। यार डाटी इश्क आतिश, यार डाटी इश्क आतिश। वही तुम्हें कितनी दफा बताया है नूरजहां के सारा रुपया जमीनों की खरीदारी और इसके अलावा बहुत से जरूरी कामों में लग गया। बस अब मुनाफे का इंतजार है, तो सोचता हूं जैन अली को भी कुछ दे दूंगा मुनाफे में से। भाई साहब वो तो ठीक है, लेकिन सफर अली के असासे और जो पैसे अकाउंट में हैं वो शफक के नाम कर देना। शफक का हक कहां से आ गया? याद रहे नूरजहां बेगम, तुम्हारा और शफक का इस जायदाद में कोई हक नहीं। क्या मतलब है भाई साहब? आप तो अकबर अली को यकीन दहानियां करवाते रहे। मैंने कब कराई? कभी नहीं। मैंने तो साफ इनकार कर दिया था। बुलाओ अकबर अली को, अभी पूछ लो। इसका मतलब है मेरे अंदाजे ठीक निकले। ये जो अच्छाई का चोला आपने चंद महीनों से पहन रखा था वो इसीलिए था क्या? भाई तुम्हारे अंदाजे तुम ही जानो, मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक कहते हैं लोग, सांप अपनी केचली बदल लेता लेकिन डसना नहीं छोड़ता। नूरजहां बेगम मत भूलो कि मैं रिश्ते में तुमसे बड़ा हूँ। आप भी मत भूलें कि इस घर की बहू हूँ मैं, सारी उम्र गवा दी मैंने यहाँ। जायदाद की खातिर, सिर्फ जायदाद की खातिर। मैं जानता था कि तुम एक ना एक रोज जरूर जायदाद का तकाजा करोगी। नाजायज नहीं है ये मुतालबा। कानूनन और शरण हक मांग रही हूँ अपना। मैं इसके लिए अदालत भी जा सकती हूँ। जाओ, जरूर जाओ। मैं भी अदालत में सबूत पेश कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारा हक अदा कर चुका हूँ और तुम जबरदस्ती इस घर में रह रही हो। इतना ना गिरे भाई साहब, इतना भी ना गिरे कि पाताल भी कम पड़ जाए। इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। बर्दाश्त? आप क्या बर्दाश्त करेंगे जो हम आपकी गिरावट को बर्दाश्त कर रहे हैं? तो तुम्हारे चहीते अकबर अली ने कौन सा रिश्ता हो जाने दिया? वो मैं अच्छी तरह जानता हूं नूरजहां बेगम, तुम्हारी नजरें अब भी जैन अली के ऊपर हैं। जब ही तुम इतना उचक रही हो,
अरे रहने दें आप और आपके घटिया अंदाजे। मेरे अंदाजे कभी गलत नहीं होते। नूरजा बेगम, दो बातें जरूर याद रखना। पहली ये कि मेरे जिंदा रहते हुए इस जायदाद का बंटवारा नहीं हो सकता, और दूसरा, जैन अली की शफक से शादी हो जाए, मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा नवासा है जैन अली के पास। बच्चे का क्या है, वो तो कभी भी वापस किया जा सकता है, उसकी फिक्र ना करें आप। चाइल्ड कस्टडी के लिए कुछ पेपर्स की जरूरत पड़ती है, और उनके लिए मैं चंद लाख खर्च कर सकता हूं। आपके अकाउंट में तो कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा हुआ है। कर्ज का इंतजाम करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। और हां बीबी, एक बात याद रखना, जब तक तुम इस घर में रहना चाहो रह सकती हो, अगर खामोशी से। हाँ, अपनी बेटी की कहीं भी शादी कर दो और इस घर में एक कोने में पड़ी रहो बस। लेकिन एक वादा मैं तुमसे जरूर करूंगा कि शफक की शादी मैं बड़ी धूमधाम से करूंगा, क्योंकि वो मेरे मरहूम भाई की निशानी है। तो ये काफी जल्दी सो जाता है। बेखबरी नींद होती है ना बच्चों की, इसलिए। तहरीम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात तो मुझे भी करनी है, तुम करो पहले। तहरीम, तुम्हें बाबा से कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए थी जैन? तुम्हारे वालिद हैं, इस घर के बड़े हैं। मुझे लगा कि मैं उनसे बात करूंगी तो वो मेरी बात समझेंगे, बट आई वॉज हाईली डिसअपॉइंटेड। हाँ तहरीन, लेकिन जब तुम्हें मामले का इल्म नहीं है तो तुम जजमेंटल क्यों हो रही हो? तो मुझे पता होना चाहिए था ना, क्योंकि इनडायरेक्टली तो मुझे इस बात में घसीटा जा रहा है। और फिर अगर बड़े अब्बू कह रहे हैं कि वो तुम लोग को पैसे दे देंगे, तो फिर इस बात का इतना बड़ा फास क्यों क्रिएट कर रहे हो तुम लोग? बस मैं क्रिएट कर रहा हूँ या बड़े अबू क्रिएट कर रहे हैं? तहरीम, जब तुम्हें मामले का नहीं पता है तो इसमें बेहतर यही है कि तुम ना ही बोलो। मैं बोलूंगी जैन, क्योंकि सारे टॉपिक से हमारी रिलेशनशिप अफेक्ट हो रही है। तहरीम, मेरा और तुम्हारा रिश्ता कांच का नहीं बना हुआ है, जो जरा सी हवा से अफेक्ट हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ये सब बातें क्यों करने लग गए, और तुम तो कभी इतने मटीरियलिस्टिक नहीं थे, अब क्या हो गया? तहरीम, बात मटीरियलिस्टिक होने की नहीं है, बात उसूल की। बड़े अबू हमें कोई सॉलिड रीजन नहीं दे रहे, और हमें पैसों की इस वक्त बहुत जरूरत है। अगर उन्होंने कहा है कि वो पैसे दे देंगे, तो तुम लोग सब उन पर इस तरह शक क्यों कर रहे हो? बड़े अबू के रवैये ने हमें खुद ही शक में डाला है। वो सारी जायदाद हथियाने के ख्वाब देख रहे हैं। I can't believe you just said that. और वो भी इतना intentionally. तुम शायद भूल गए हो कि उनकी बेटी ने कितना बड़ा एहसान किया है अपनी औलाद देके। हम तहरीम, ये तुम क्या बातें कर रही हो, बजाय इसके कि तुम मामले को फैक्ट्स पर एनालाइज करो, और तुम हो के आहिस्ते बोलो, समर सो रहा है, और शायद अम्मा ठीक ही कहती। बड़ी अम्मी ने तुम्हें इतना ब्रेन वॉश कर दिया है कि आज तुम बड़े अब्बू पे इतना बड़ा इल्जाम लगा सकते हो। बड़ी अम्मी का तो नाम ना ही लो तो बेहतर, और ये सब मामला तुम्हारे घर से ही शुरू हुआ। तुम्हें ही इस घर में नहीं रहना था। उसकी वजह भी बड़ी अम्मी ही है, लेकिन तुम्हें कहां समझ आएगी? क्योंकि तुम एक इलॉजिकल बात कर रही हो। खैर,
मुझे इस टॉपिक पर तुमसे और कोई बात नहीं करनी। ये मेरा मसला है, मैं इसको खुद हैंडल कर लूंगा। तो यकीन ही नहीं आ रहा, बड़े अबू ऐसा भी कह सकते हैं। अनवर अली ऐसा ही है, उससे तुम किसी भी बुराई की उम्मीद रख सकती हो। उसने तो मुझे रुस्वा करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं इज्जत से इस घर में बैठी रही। लेकिन फिर भी अम्मी, ऐसा क्यों? मैं तुमसे कहती थी ना, ये जो हमदर्दी का बुखार इसे चढ़ा है, इसकी कोई वजह है। आखिर वो वजह खुल के सामने आ गई। अगर वो ऐसे ही हैं तो उन्हें तो सब कुछ छुपा के रखना चाहिए। मैं भी कहूँ, अनवर अली जो अपने किसी चाल के बारे में किसी को पता न चलने दे, उसने ये सब कुछ मुझसे क्यों कहा? इसलिए कि वो मुझे अकबर अली और जैन की नजरों में गिराना चाहता था। क्या करेंगे अम्मी आप? जैन अली की दूसरी शादी। क्या मतलब? बस एक बार वो नौलखा मुझे मिल तो जाए, फिर देखना। अनवर अली को सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी नूर जहां नहीं। नौलखा आपका कैसे हो सकता है अम्मी? वो तो तहरीम का है ना, और तहरीम के होते हुए जैन अली दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे। ये सब तो मुझ पे छोड़ दो। दोनों ये समझ रहे हैं कि जैसे मैंने कच्ची गोलियां खेली हुई हैं। समझने दे जो समझते हैं। नूरजहां चाची ने कुछ बताया नहीं क्या? मतलब चाचा जान को भी नहीं बताया? अकबर से क्या कहना है उसने? मैंने जाल ही ऐसा फेंका है बेटा कि वो उसमें फंस के बिलबिलाती रहेगी। आपने तो उनके सारे ख्वाब मिट्टी में मिला दिए। तहरीम ने कुछ कहा नूरजहां चाची से? अरे अब तक तो नहीं कहा कुछ, लेकिन तुम मुमताज से कहकर तहरीम पर प्रेशर डलवाती रहो। बस एक बार तहरीम और नूरजहां का आमना सामना हो जाए। अच्छा, तुमने रोहेल से कुछ कहा? मैंने रोहेल को अपने तरीके से समझा दिया है। आप बस अमर का ख्याल रखिए बाबा। शाबाश। कैटी वाला कार्टून फेवरेट है हमारा। वाओ। ओ लुक, खाला इज हियर। बहुत खुश हूँ मैं तुम्हारी। अच्छा भाई, कैटी दिखा। वाकई खुश हो? खुश? हाँ शायद। समर ने एक अजीब सी कमी को पूरा किया है मेरी जिंदगी में। क्या हुआ है? पता नहीं शफक, इस घर में एक अजीब सी खिचड़ी बन रही है जिससे मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसा डर? ऐसे जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वहम मत किया करो तहरीन, सब ठीक है। दुआ किया करो अल्लाह से। करती हूँ, तुम भी किया करो मेरे लिए दुआ। ये कहने की जरूरत है? हमेशा दुआ करती हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू।
ज़ैन अली की शादी हम किससे करेंगे? शफक से। शफक से? तहरीम इजाजत दे देगी कि ज़ैन अली मुझसे शादी कर लें? तुम तहरीम और ज़ैन अली को छोड़ो, अपनी बात करो। क्या तुम भूल गई हो ज़ैन अली को? तुम नहीं चाहती तुम्हारी ज़ैन अली से शादी? ज़ैन अली, तुम शायद भूल रहे हो कि हमने अपना नवाब। भाई साहब, आपके इस बात को बार बार दोहराने से आपकी बेटी की कुर्बानी और बड़ी नहीं हो जाएगी। आप अपना बच्चा वापस ले सकते हैं। बाबा बस, ज़ैन अली अब दूसरी शादी करेगा ताकि उसका अपना खून इस घर का वारिस हो। यार लाठी इश्क आतिश, यार लाठी इश्क आतिश, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है नूरजहां। लेकिन मेरी समझ में सब आ रहा है। समझ तो शायद मैं भी गया हूं, लेकिन इस हकीकत को समझना चाह नहीं रहा हूं। कबूतर की तरह नजरें चुराने से कोई फायदा नहीं होगा अकबर अली, तुम्हें उनसे बात करना होगी। मैं कैसे उनसे बात करूं? मुझे ऐसा लगता है मुझे वो जबान आती ही नहीं जो उनकी समझ में आए। हाँ, ये तो तुमने सही कहा, शराफत की जुबान वो समझते कहाँ है। तो क्या उनसे बदतमीजी करूं? मेरे बड़े भाई है वो। अकबर अली, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम पढ़े लिखे आदमी हो, शहर आते जाते हो, कोर्ट कचहरियों के काम निपटाते हो, तुम्हें अपना हक लेना आना चाहिए। तो अब क्या उनको अदालत में घसीटूं? खैर, भाई से फकीरों की तरह पैसे मांगने से तो बेहतर है यही कर लो। नूरजहां, मुझसे नहीं होगा। इस खानदान की बरसों की बनी बनाई इज्जत दो कौड़ी की नहीं रहेगी। आफरीन है तुम पर अकबर अली, तुम्हें बहुत ख्याल है अपने भाई का, उन्हें भी तो तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए। तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना और एक दिन देख लेना, कोई सब जमीन जायदाद जागीर सबके मालिक बन बैठेंगे। तुम हाथ मलते रह जाना, तुमसे कुछ नहीं होगा। मैं ज़ैन अली से बात करूंगी। आप हरगिज़ ज़ैन अली से बात नहीं करेंगी, वो पहले ही भाई साहब से बदतमीजी कर चुका है। कोई बदतमीजी नहीं की उसने, उल्टा उन्होंने ही झूठ का पुलंदा खोल के रख दिया उसके सामने। हद होती है किसी बात की। तुम्हारे भाई साहब हमारे लिए, हमें डुबोने के लिए दलदल तैयार कर रहे हैं, और तुम हो के ना खुद बचना चाहते हो ना हमें बचने देते हो। ज़ैन अली की जिंदगी में होने वाले सबसे बड़े हादसे का फायदा भी उठा लिया उन्होंने, अपना नवासा उसकी गोद में डाल दिया। समर तुम्हारे बाप का खून नहीं है, इस खानदान की औलाद नहीं है वो, लेकिन देख लेना एक दिन वो गैर का बेटा इन सब चीजों का मालिक होगा और हम मुंह देखते रह जाएंगे, क्योंकि ज़ैन अली बाप नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता ज़ैन बाप? इसलिए कि तहरीम माँ नहीं बन सकती। हाँ, ज़ैन अली अगर दूसरी शादी करे तो बाप बन सकता है। ज़ैन अली की दूसरी शादी? तो इसमें कैसी बड़ी बात है, लोग औलाद के लिए दूसरी शादी किया ही करते हैं, तहरीम को भी साथ रख लेगा। लेकिन नूरजहां? लेकिन क्या अकबर अली, तहरीम अगर औलाद पैदा कर सकती होती तो ठीक था, लेकिन दूसरी शादी में कोई हर्ज नहीं, दीन में इसकी इजाजत है, हम कोई जुल्म नहीं कर रहे। तो ज़ैन अली की शादी हम किससे करेंगे? शफक से। शफक से? हाँ, मैंने सोच लिया है, एक और कुर्बानी दे देती हूँ मैं इस खानदान के लिए। मैं शफक से बात करूंगी, तुम ज़ैन अली को समझाओ। आ जाओ। बाबा, मैं शहर जा रहा हूँ, आप को खुदाफिस कहने के लिए आया। अरे, वीकेंड इतनी जल्दी गुजर गया? जी बस ऐसा ही है। अच्छा, मैं चलता हूँ। रुको बेटा, जरा बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी। जी बाबा। बेटा, मैंने बहुत सोच विचार के बाद ही फैसला किया है। कैसा फैसला? तुम्हारी दूसरी शादी का। क्या मतलब दूसरी शादी? मगर क्यों? मुझे तुम्हारा वारिस चाहिए। तुम अच्छी तरह सोच लो, लेकिन इनकार की गुंजाइश नहीं है। बाबा, ये नहीं हो सकता। और आप भी ऐसा कैसे सोच सकते हैं?
بیٹے بہت ساری باتیں حالات کے خلاف بھی جا کے سوچنی پڑتی ہیں. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں خوشی سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ساری صورتحال تمہارے سامنے ہے. نہیں بابا، میں یہ نہیں کر سکتا. اور آپ مجھے پلیز مشکل میں مت ڈالیں. میں تحریم کے ساتھ یہ سب کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم تحریم کو چھوڑ دو؟ اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی مجھے اس کا احساس ہے، لیکن بابا یہ تو اس کے ساتھ اور زیادتی ہو جائے گی. بیٹا اس وقت تمہیں صرف اپنے بارے میں سوچنا ہے. تم لاکھ کوشش کر لو لیکن سمر تمہارا خون نہیں ہے، اور جن کا ہے ان کی نیتوں کو تم اچھی طرح سے سمجھ چکے ہو. بابا میں تحریم کو اگنور کر کے صرف اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتا ہوں، اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا ذمہ دار بھی تو میں ہی ہوں. بیٹا اس واقعے کا ذمہ دار تم اپنے آپ کو کیوں ٹھہراتے ہو؟ جو قسمت پہ لکھا تو ہو گیا، وہ ایکسیڈنٹ تم نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا. تو پھر کیا یہی سمجھ کر تم ساری زندگی سزا کاٹو گے؟ میری باتوں میں ٹھنڈے دل سے غور کرو زین. میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، جو کچھ کہہ رہا ہوں تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن بابا میں. بیٹا اپنے دل پہ ہاتھ رکھے سوچو، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری اپنی اولاد ہو، تمہارا اپنا وارث اس گھر میں آئے، تمہارا اپنا خون؟ بیٹا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری اپنی اولاد ہو، تمہارا اپنا وارث اس گھر میں آئے، تمہارا اپنا خون؟ لیکن میں وارث کے لیے تحریم کی قربانی کیسے دے دوں بابا؟ میں تو اس کے بغیر ہرگز نہیں رہ پاؤں، اور یہ سب سن کر وہ کہاں میرے ساتھ رہنے پر راضی ہوگی؟ شادی کر لی تو جان لے لے گی وہ میری. تم ابھی تک اٹھے ہوئے ہو؟ ہاں ابھی آنکھ کھلی، سو ہی رہا تھا. سبھی تھی مکھے؟ ہاں میں نے خواب میں دیکھا کہ میری دوسری شادی ہو گئی. پلیز دین تو بھیانک خواب دیکھنا بند کرو اور سوچ. کیا کر رہی ہو تم؟ یہاں آ کر میرے پاس بیٹھو. آ تمہاری شادی کر رہی ہوں میں زین علی سے. کیسی باتیں کر رہی ہیں امی؟ مذاق نہیں کر رہی ہوں، اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کوئی سن لے گا تو کیا کہے گا امی؟ سن لے تو سن لے، میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں. کسی بند کمرے میں نہیں ہو رہی تمہاری شادی. تحریم اجازت دے دے گی کہ زین علی مجھ سے شادی کر لیں؟ تم تحریم اور زین علی کو چھوڑو، اپنی بات کرو. کیا تم بھول گئی ہو زین علی کو؟ تم نہیں چاہتی تمہاری زین علی سے شادی ہو؟ میری بات رہنے دے امی، زین علی نے مجھ سے شادی کرنی ہوتی تو پہلے ہی کر چکے ہوتے.
अब करना ही होगी उसे। तुम सब बातें भूल जाओ, बस ये याद रखो कि पहले ज़ैन अली तुम्हारा मंगेतर था, बाद में तहरीम ने उसे हासिल किया, और अब जब जिंदगी में तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है तो तुम क्या बातें लेकर बैठ गई। खुदगर्ज नहीं होनी मैं। बेटा ये खुदगर्जी नहीं है, खुदगर्जी तो वो थी जो उन्होंने दिखाई और हमने सब्र किया, लेकिन अब हमारी बारी है। वैसे भी ज़ैन अली पर पहला हक तुम्हारा था, मुझसे खुद अकबर अली ने उसका रिश्ता मांगा है तुम्हारे लिए और मैं इनकार नहीं कर सकी, और करती भी क्यों। बेटा जिंदगी हर बार दूसरा मौका नहीं देती है, तुम तो इतनी खुशकिस्मत हो, तुम्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने का एक मौका और दिया है, वरना हर किसी को ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता। तुम इतना मत सोचो, बात की तुमने ज़ैन अली से? हाँ मेरी बात हुई, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, एक बात याद रखना अकबर अली, मैंने और मेरी बेटी ने बहुत कुर्बानियाँ दी इस घर के लिए, और शफक एक बीवी के होते हुए भी राजी हो गई, ये उसी का ज़र्फ़ है। मुझे मालूम है नूरजहाँ, आपकी और शफक की कुर्बानियों से मैं बखूबी वाकिफ हूँ, मैं आपको शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आप फिक्र ना कीजिए, ज़ैन मान जाएगा। ज़ैन को मानना ही होगा, इस बार मैं उसे इनकार नहीं करने दूंगी। मुझे यकीन है भाई साहब ने उसे जो कुछ कहा है उसके बाद वो ज्यादा दिन तक इनकार नहीं कर सकेगा। हम सबके लिए यही बेहतर है। शफक कहाँ जा रही हो? लॉन में पौधों को देखने जा रही थी। मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तुम करके आओ, फिर मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। तुम दोनों बाप बेटों को आज हुआ क्या है? यानी मुझ पे शक कर रहे हो? किसने पट्टी पढ़ाई है? बड़े अबू शक वाली बातें आप खुद कर रहे हैं। आखिर हमारा हिस्सा देने में आपको एतराज ही क्या है? अपना हक ही तो मांग रहे हैं आपसे। वाह, हक मांग रहे हैं। सारी जिंदगी सारी जमीनों और जायदाद की देखभाल हमने की है, और तुम आ गए अपना हिस्सा मांगने। वाह भाई साहब, मेरा ख्याल है कि आपको जमीन और जायदाद की निगहदाश के बदले में बहुत कुछ मिल चुका है, अब आपको और क्या चाहिए? क्या मतलब है तुम्हारा अकबर अली? अगर हमने तुमसे पूछे बगैर तुम्हारे अकाउंट से रकम निकलवा ली तो क्या फेंक नहीं दी? जमीनें खरीदी हैं, तुम लोगों का फायदा किया है, जायदाद बढ़ाई है, और खरीदकर कुरुतलन को गिफ्ट कर दी आपने, इसमें हमारा क्या फायदा है? वाह, यानी उसने अपना जिगड़ का टुकड़ा तुम्हें दे दिया और तुम्हें उसकी जमीन खल रही है? बड़े अबू, अगर उन्होंने अपना बेटा मुझे दिया है तो उसका बहुत एहसानमंद हूं मैं, लेकिन उन्हें या आपको मेरे बेटे के बदले जमीनें चाहिए थी तो ये बात आपने मुझसे पहले करनी थी। क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? यानी हमने अपना बच्चा बेचा है? आप मेरा और शवक का हिस्सा में दे दें और झगड़ा खत्म करें। आपने इतने अरसे जमीनें संभाली, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे से जमीनें हम खुद देख लेंगे। ज़ैन अली, तुम शायद भूल रहे हो कि हमने अपना नवाब। भाई साहब, आपके इस बात को बार बार दोहराने से आपकी बेटी की कुर्बानी और बड़ी नहीं हो जाएगी।
आप अपना बच्चा वापस ले सकते हैं। बाबा बस, जैन अली अब दूसरी शादी करेगा ताकि उसका अपना खून इस घर का वारिस हो। यार डाटी इश्क आतिश, यार डाटी इश्क आतिश। तेरी नुकसान मेरा भी तो हुआ है, और इसी नुकसान को तुम नफे में बदलना चाहते हो दूसरी शादी करके। वाह, बच्चा भी मिल जाएगा, बीवी भी होगी। What a cool business strategy. मेरे इतने मना करने के बावजूद तुम हवेली छोड़ के आ गई, वो भी किसी को बगैर बताए। बिल्कुल, नूरजहां चाची को तो और बातें बनाने का मौका मिल गया। तहरीम इस रिश्ते से खुश नहीं है और उसे होना भी नहीं चाहिए, इसीलिए घर छोड़ के गई है ना वो। तुम अपने अंदाजे अपने पास ही रखो। तहरीम याद रखना कि तुम मुझे खुद धकेल रही हो दूसरी शादी के लिए। मैं तुम्हें धकेल रही हूँ? इनफैक्ट मैं तो समझ रही थी कि तुम दूसरी शादी करके ही मुझे अपनी शक्ल दिखाओगे। तो ठीक है, फिर तो मुझे परमिशन दूसरी शादी की। ठीक है, एक क्या मेरी बला से 50 शादियां कर। आई रियली डोंट केयर। जाओ और जाकर मुझे 9 लाख अभी वापस ला कर दो। मेरी बेटी का घर उजड़ गया और तुम अपने बेटे की दूसरी शादी रचाने जा रहे हो, इसलिए तुम्हें 9 लाख की जरूरत है ना? इसलिए 9 लाख तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। और मैं भी देखती हूँ तुम अपने बेटे की दूसरी शादी 9 लाख के बगैर कैसे रचाते हो।